बेसिकली okay. so, uh, आज का सेशन आई हैप्ट ओनली जस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैसे आगे प्रोसीड करना है हमें फॉर आई एफ ओ ए द एग्जाम इज ऑन फिफ्टीन सेप्टेंबर यू ऑल हैव अप्रोक्सीमेटली वन मंथ फॉर आई ए आई इट्स ऑन थर्ड सेप्टेंबर सो अप्रोक्सीमेटली टू टू एंड हाफ थ्री वीक्स है आपके पास टू प्रिपेयर अभी आई विल टॉक विथ रिस्पेक्ट टू टू टाइप्स ऑफ पीपल कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस खत्म कर लिया है सारे वीडियोस देख लिए हैं एंड देर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट स्टार्टेड मे बी वन वीक हुआ है या फिर यू नो जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस सो दोनों टर्म्स के हिसाब से मैं समझाऊंगी सबसे पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट सीबी टू पेपर इज इट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स राइट तो आप लोग का पेपर का स्ट्रक्चर सीबी टू का इतना ब्यूटिफुल है लाइक थर्टी नाइन मार्क्स इज फॉर एमसीक्यू

तो उस हिसाब से वेन वी से तो एम सी क्यू पोर्शन थर्टी नाइन मार्क्स सबसे ज्यादा वेटेज उस पोर्शन का है वाई एंड सबसे ज्यादा इज दैट पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो सो वॉट शुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर कमिंग वन मंथ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर कैमराज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंटर इट्स लाइक एज एम वैम इंटरथ माइ सेल्फ प्लीज अदरवाइज यू ऑल कैन Watch the video later. Please switch on your cameras. I'll wait for one minute. Okay. So, uh, this is the entire structure of the paper, right? अब सबसे पहली बात जो हम लोग को ध्यान रखना है वाइल्ड प्रिपेयरिंग फॉर कमिंग वन मंथ इसकी एमसीक्यू वाले पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग करना है थर्टी नाइन मार्क्स का अगर एमसीक्यू है वी हैव हाँ टू टारगेट थर्टी नाइन मार्क्स अब ये कैसे होगा मैं बता रही हूँ जिन आई विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू टू पीपल टू डिफरेंट पीपल एज एज डिटल जिनका फॉर एग्जाम्पल सिलेबस पूरा खत्म हो गया है जिन्होंने सारी देख लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी uh, कंपाइलर एक बार गो थ्रू मेरा नोट्स एक बार गो थ्रू कर लिया है फॉर यू ऑल वॉट यू हैव टू डू इन कमिंग वन मंथ या फिर कमिंग थ्री वीक्स इफ यू आर यूरिंग फ्रॉम आई आई आप लोग को एवरी डे फोर आवर्स अगर आप दे रहे हो लेट्स सपोज आप फोर आवर्स दे रहे हो ठीक है जो नहीं पढ़ते दे डोंट क्लियोर द पेपर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स वेरी वेरी सिम्पल बिना पढ़े भी क्लियर हो जाएगा दिस वॉज द नोशन इन ड्यूरिंग सी टी सेवन जो भी जो कि भी बहुत कम लोग बिना पढ़े पास होते थे आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी हो, इंसान होता है कि बिना पढ़े पास हो जाएगा सी टी सेवन सी बी टू जैसा पेपर ठीक है तो आपको क्या करना है आवर्स अगर आप एवरी डे निकाल रहे हो उसमें से टू आवर्स यू हैव टू गिव टू द कंपाइलर टू द नोट्स राइट यू हैव टू रीड द कंपाइलर क्योंकि जितना ज्यादा आप कंपाइलर बार बार रीड करोगे जितना ज्यादा आप नोट्स बार बार रीड करोगे इससे क्या होगा इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होते जाएगा यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या है

थ्री फोर एमसीक्यूज डिफरेंट बट अदरवाइज ऑल इन ऑल अगर आप लोग पेपर्स के सारे एमसीक्यू कर लिए हैं यू विर श्योर टू गेट अब थर्टी फाइव इन एमसीक्यू पोर्शन सो एम सी क्यू इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू स्कोर योर मार्क्स ठीक है सो फॉर दैट एवरी डे वन आवर मिनिमम यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज वन आर यू हैव टू प्रैक्टिस शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना हमें ऑलरेडी आंसर पता होता है बट वी आर नॉट एबल टू फ्रेम इट प्रॉपरली लाइक बहुत सारे कॉमन क्वेरीज है विच आई विल डिस्कस टूडे फॉर एग्जाम्पल ये सबसे बड़ा क्वेरी होता है सारे स्टूडेंट्स का की मैम वी डोट नो हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चन बी एड फोर मार्क सिक्स मार्क और टेन मार्क का क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हाउ टू फ्रेम वेन वी आर फ्रेमिंग इट विद्जामिन तो काफी डिफरेंट है उनका ऐसे लग रहा है कि काफी अच्छे से लिखा हुआ है नो डाउट ई आर में आप लोग को एग्जामिन रिपोर्ट में आप लोग को परफेक्ट सोल्यूशन ही मिलेगा बट देर शुड बी अ वे ऑफ राइटिंग दर सोल्यूशन वो आप लोग कैसे समझ में आएगा विद प्रैक्टिस एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस इन कमिंग क्लासेज बट मेजरली क्या होता है सपोज एनी वन पर्टिक्यूल question is given. Three, two, three type of questions are there. One is gone, a very simple direct question. State the functions of central bank. A very direct question. What is the difference between um, managed, floating, and adjustable peg uh, exchange rate system? Very सिंपल क्वेश्चन वॉट यू हैव टू डू फर्स्ट यू हैव टू डिज फ्लोटिंग देन यू हैव टू डिफाइन अडजस्टेबल पिग एंड देन यू हैव टू स्टेट द डिफरेंसेज बिटवीन देम वेरी वेरी सिंपल ठीक है तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जो ऑलमोस्ट डिरेक्टली है एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनरली टेन मार्क क्वेश्चन विच आर नॉट डिरेक्ट विच आर मे बी फ्रॉम फोर फाइव चैप्टर्स टूगेदर ठीक है उसमें में भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट को रेफर करना पड़े इन्फ्लेशन को रेफर करना पड़े उसमें आपको जीडीपी को रेफर करना पड़े तो ऐसे हो सकता है आपको बहुत सारे चैप्टर्स को साथ में उस क्वेश्चन में रेफर करना पड़ेगा और दीज आर द द्वेश्चन जहां पे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होता है टू आंसर कि हम कैसे प्रोसीड करें सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन इन पार्ट्स कि क्या क्वेश्चन एक्चुअली मांग रहा है सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की एक पॉलिसी दे दिया एंड उन्होंने क्वेश्चन में बोला है उस पॉलिसी को समझाओ फिर कभी भी इकोनॉमिक्स में डो नॉट गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दैट इट्स गुड और बैड यू ऑलवेज स्टेट द प्रोस एंड कॉन्स राइट तो हर क्वेश्चन को ऐसे हम लोग को सब्जेक्टिवली डील करना है आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरली द लॉन्ग क्वेश्चन मार्क इच इस क्वेश्चन में जनरली वी फेस द डिफिकल्टी विच विल बी ओवरकम वेन वी प्रैक्टिस एंड वील ऑल्सो डिस्कस इन क्लासेज एज टू हाउ टू यू नो डील विद क्वेश्चन तो ये कब होगा जो आप लोग एवरी डे प्रैक्टिस करोगे सो टू आवर्स मिनिमम यू हैव टू डू एम सी क्यू एंड

Now, coming to those अभी स्टार्ट करा है या मे बी दे आर मिड वे इन दिलेबस जिन्होंने मे बी वन वीक टू वीक्स पहले स्टार्ट किए फॉर डोर्स वॉट यू हैव टू डू इज आप लोग को सेम लॉजिक यहाँ पे फॉलो करना है आप लोग को बस थोड़ा डिफरेंटली आप लोग को थ्री आवर्स एवरी डे मेरे वीडियो एंड कंपाइलर को देना है सो इफ यू वॉच द वीडियो मे बी फॉर टू एंड हाफ आवर्स आवर्स गिव हाफ एन आवर टू रीडिंग द कंपाइलर ऑफ वॉट यू हैव ऑलरेडी डन इन द क्लास उसी को गो थ्रू करो आप लोग को कमिंग टेन डेज में यू हैव टू फिनिश द सिलेबस एनी हाउ देन नेक्स्ट टेन फिफ्टीन डेज जितना बचते हैं वील ओनली डू द

Uh, एक एडवांटेज ऑब्वियसली मिलना ही चीज उन्होंने पहले स्टार्ट करा है तो आप लोग एक एडवांटेज में कि अभी आप लोग के पास काफी टाइम है वन मंथ टू रिवाइज एवरीथिंग एंड टू सॉल्व सीबी टू में फॉर दोज आर अप्योरिंग फ्रॉम आई हैव टू सॉल्व एटलीस्ट पास टेन टर्म्स ऑफ पेपर विच इज Five years and for IFO it applies the same thing minimum minimum of past 10 terms I री गुड एमसीक्यू आप फिफ्टीन papers का भी कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि एमसीक्यू में आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सम ऑफ द एमसीक्यूज आर रियली सिंपल वेरी रेपिटेटिव आप लोग देख रहे हो खाली नंबर चेंज हो रहे हैं नेशनल इनकम के खाली नंबर चेंज हो रहे हैं सम ऑलमोस्ट है Of पूछ ये सारे basic जो होते हैं एक बार में नहीं हो रहा ठीक है बहुत सारे एमसीक्यूज आई एम प्रिटी प्रिटी श्योर दैट सिक्सटी परसेंट ऑफ द एमसीक्यूज आपसे एक बार में हो जाएगा रेस्ट वो जो फोर्टी एमसीक्यूज शुरू की पेपर्स में 50% परसेंट एमसीक्यूज हो रहे हैं मे बी दो तीन पेपर्स में 50% परसेंट हुए फिर उसके आगे के पेपर्स में सिक्सटी परसेंट सो एक्चुअली इट विथ नंबर ऑफ पेपर्स यू गिव नंबर ऑफ पेपर्स यू डू राइट तो मान लेते जो एमसीक्यूज आपसे एक बार में नहीं हो रहा मेक श्योर यू

सेकेंडली डू नॉट फर्गेट दैट आपको टाइप करना है इन वर्ड सो कंसिडरिंग अगर आप कोई दूसरा पेपर भी दे रहे हो साथ में तो आप टाइपिंग साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो इन द सेंस अगर आप उस पेपर के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप समझ लो कि इस पेपर के लिए भी टाइप, टाइपिंग प्रैक्टिस हो गया क्योंकि इसमें देर इज इस नो मैथमेटिकल टाइपिंग एज सच यू जस्ट हैव टू टाइप द आंसर्स तो यहाँ पे देर इज वन एडवांटेज ऑफ uh, स्टूडेंट जिनका टाइपिंग स्पीड बहुत फास्ट है उनके लिए हमेशा एडवांटेज रहता है इन दिस पेपर वाई बिकॉज ऑब्वियसलीट फॉर अप्रोक्सिमेटली इफ यू से टेन मार्क क्वेश्चन यू हैव टू राइट मिनिमम ऑफ वन एंड अफ पेजेस ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड इफ यू आर डूंग क्वेश्चन थ्री फोर्थ पेज आपको मिनिमम uh, लिखना ही है सो यू हैव टू एक्चुअली टाइप अलॉट फॉर एमसीक्यूज कोई आपको टाइप नहीं करना यू जस्ट हैव टू मेंशन द ऑप्शन नंबर ए बी सी डी तो अगर डी है सो जस्ट राइट डी यू डू नॉट हैव टू राइट ऑप्शन के अंदर क्या है डू नॉट वेस्ट टाइम इन दैट क्यों बहुत लोग आई हैव सीन दे आर अनसर्टेन मे बी स्कूल में वैसा हैबिट था, था उनका लिखने का डू नॉट डू दैट यू आर एक्चुअली वेस्टिंग टेन मिनट्स ऑफ योर एग्जाम टाइम ठीक है खाली एबीसीडी में से जस्ट मेंशन कीप इट इन बोल्ड जस्ट मेंशन इट्स इफ इट्स बी जस्ट मेंशन बी इफ इट्स सी जस्ट मेंशन सी सेम दिस दिस इज सेम फॉर बोथ आई आई एंड आई एफ राइट सेकेंडली वेरी वेरी थर्डली वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राफ्स आपने देखा होगा माइक्रो में जितना ग्राफ नहीं है उससे ज्यादा मैक्रो में हमने ग्राफ्स किए बिकॉज फर्स्ट नाइन चैप्टर्स माइक्रो रेस्ट ऑल चैप्टर टेन से लेके चैप्टर ट्वेंटी थ्री इज योर मैक्रो सो मैक्रो इज एक्चुअली फॉर्मिंग अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी परसेंट ऑफ योर पेपर ठीक है तो आपको टाइम भी उसके अकॉर्डिंग देना है एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगी कि जब आप लोग रिविजन कर रहे हो एंड आप लोग को लग रहा है कि मैं फर्स्ट के चैप्टर्स में कॉन्फिडेंट हूँ स्टार्ट योर रिविजन मैक्रो पोर्शन एज इन स्टार्ट योर रिविजन विद चैप्टर टेन क्योंकि मैक्रो पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है सो यू कैन स्टार्ट योर रिविजन विद चैप्टर टेन सो दैट टुअर्ड्स द एंड जब एग्जाम का प्रेशर ज्यादा रहता है उस समय हम लोग कॉन्सेंट्रेट कम कर पाते हैं थोड़ा पढ़ाई में दिट अ वेरी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी तो उस समय आप माइक्रो रिवाइज करो ओके okay, अभी जब थोड़ा कूल cool है चिल डाउन है तो आप लोग अभी मैक्रो से स्टार्ट करो रिविजन एंड देन मूव टू माइक्रो सो दैट दैट इज हाउ एवरीथिंग इज फोर टू फाइव डेज मैं फाइनल रिविजन बता रही हूँ जिसमें से थ्री डेज शुड बी गिवन टू मैक्रो टू डेज शुड बी गिवन टू माइक्रो दिस इज हाउ इट शुड बी बैलेंस्ड ओके माइक्रो क्यों मैं बोल रही हूँ क्योंकि जस्ट वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि माइक्रो से क्वेश्चंस कम आते हैं यू मे गेट बोथ द टेन मार्कर क्वेश्चंस फ्रॉम द माइक्रो पोर्शन इट इट माइट सो हैपन राइट बट ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ माइक्रो पढ़ना है दिस इज व्हाट आई सजेस्टेड व्हेन यू स्टार्ट रिविजन यू कैन स्टार्ट विथ माइक्रो एंड देन यू कैन मूव टू माइक्रो वाई बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़े रिलैक्स रहते हैं टुवर्ड्स द एंड टुवर्ड्स द एग्जाम टाइम थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस्ड अप हो जाते हैं हम राइट दिस इज वन थिंग टिंग अबाउट ग्राफ ग्राफ में आप लोग को क्या करना है दोज पीपल हु द ग्राफ छोड़ दे रहे खाली क्योंकि वर्ड में है एग्जाम ग्राफ नहीं आएगा ग्राफ आ सकते हैं मैंने क्लासेस में बोला है ग्राफ बना के दे देंगे एंड इट लास्क यू टू इंटरप्रेट इट लास्क यू टू यू नो दे मार्क ए बी सी डी एंड दे लास्क यू टू लेबल इट की क्या है वॉट इज ए वॉट इज बी डिस्कस अबाउट द ग्राफ

नॉट इवन फाइव स्टूडेंट्स को ड्रॉ द ग्राफ लाइक मैंने आज एक क्लास कंडक्ट करा स्टेबिला स्पेकुलेन का एंड अगले दिन आई जस्ट दे नो एवरीथिंग दे द दर प्रोसेस बट दे ग्राफ क्यों क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनके यही था कि हम ग्राफ तो हमें बनाना ही नहीं है दे नो न्यू एवरीथिंग उन्होंने पूरा प्रॉपरली आंसर किया कि स्टेबिलाईजिंग में क्या होता है डिमांड इंक्रीज होकर वापस डिक्रीज होता है पूरा चीज एक्सप्लेन करा ठीक से बट ग्राफ नहीं बना पाए कंफ्यूज थे इवन इफ मेक द ग्राफ वर कंफ्यूज कि ग्राफ को हम कैसे बनाए राइट तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग वर्ड में अगर आप लोग नॉर्मल पेन पेपर पे कर रहे होते तो मैं आप लोग को बोलती तीन बार ड्रॉ करो ग्राफ बट अभी क्योंकि वर्ड में एग्जाम है तो मैं आप लोग को स्टिल वन टाइम बोल रही हूँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वाई एटलीस्ट एक नॉर्मल रफ स्केच भले लेबल नहीं करो रफ स्केच बना लो एंड मन में लेबल कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे होगा एक रफ स्केच भले आप पहले देख लो बन करके फिर खुद से बनाओ चलेगा आपने देख लिया ग्राफ बन कर क्योंकि वंस यू मेक इट इट विल स्टे इन योर माइंड राइट खाली देखने से इट विल नॉट स्टे एक बार देख लो बन करके अगेन मेक इट विल जस्ट टेक टू मिनट्स एक्स्ट्रा टू मेक द ग्राफ स्क्रिबल करना है खाली राइट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्राफ्स यू डू दैट देन जैसे मैंने बोला माइक्रो पोर्शन को अराउंड सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम दो अपना माइक्रो को थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द टाइम दो ऑल्सो uh, लास्टली मैंने लास्ट वीक जो रेफरेंसिंग का क्लास लिया है मेक श्योर ऑल ऑफ यू सी दैट क्लास यू हैव टू रेफर मैं एक और वीडियो अपना बनाऊंगी अबाउट द इम्पोर्टेंट अपडेट काफी कुछ चेंज हुआ है फॉर द सेप्टेम्बर टर्म बट आप लोग को क्या करना है एम सी क्यू में देर इज नो रेफरेंसिंग दैट इज रिक्वायर्ड यू जस्ट हैव टू से ऑप्शन ए बी सी डी दे डू नॉट

Uh, आप लोग को रीडिंग का जैसे मैंने अपने क्लास में पूरा समझाया है को रीडिंग पेज नंबर सेक्शन uh, नंबर आप लोग पूरा मेंशन कर दोगे वेल एंड गुड एटलीस्ट एग्जामिनर नोस की आप लोगों ने अगर लिया है सो आपने रेफरेंसिंग भी उस क्वेश्चन का कर दिया कमिंग टू टेन मार्क क्वेश्चन जहां पे आप पांच छह जगह से रेफरेंसिंग करते हो यू कैन यू हैव टू एक्चुअली मेन्शन द रेफरेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी जो आप लोग तीन मॉक पेपर्स दोगे जो हमने मॉक पेपर्स लिए हैं तो उसमें ट्राई टू डू इट विथ रेफरेंसिंग एटलीस्ट बी इन दैट हैबिट ऑफ रेफरेंसिंग क्लियर है शुरू के थर्टी नाइन मार्क्स तो केक वॉक है नहीं चाहिए उसमें रेफरेंसिंग बाद के जो क्वेश्चन है उसमें हमें चाहिए रेफरेंसिंग तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रैक्टिस जो हम मॉक पेपर्स कर रहे हो उसको वैसे रेफरेंसिंग के थ्रू प्रैक्टिस करो राइट नाउ ड्यूरिंग एग्जाम अब एग्जाम वाले दिन यू हैव थ्री एक्चुअली अब थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट्स हो गए जिसमें से फाइव मिनट्स दे आर गिविंग फॉर अपलोडिंग एंड एवरीथिंग डाउनलोडिंग एंड एवरीथिंग सॉरी सो आई विल टॉक अबाउट दैट इन माय वन वीडियो सो ऑल कैन सी दैट थ्री आवर्स फिफ्टीन मिनट्स ही मानती हूँ मैं बल्कि मैं थ्री आवर्स टेन मिनट्स मानती हूँ वाई बिकॉज ऑब्वियसली डाउनलोड किया पेपर वर्ड फाइल बनाया

सीबी टू इज अ पेपर विच यू कैन ईजिली कम्प्लीट एंड यू विल स्टिल हैव फिफ्टीन मिनट्स इन योर हैंड ईजीली अगर आपको सब कुछ आता है अगर आपका टाइपिंग स्पीड भी मॉडरेट है आप लोग कर पाओगे एवरेज टाइपिंग स्पीड के साथ तो इसका मतलब आप लोग कहाँ लैक करो या तो आप लोग एमसी क्यू में जितना टाइम नहीं देना चाहिए उससे ज्यादा टाइम आप दे रहे हो वो कैसे होगा विथ प्रैक्टिस एक एम सी क्यू में अगर आपको टू मिनट्स मैक्सिमम बता रही हूँ उससे ज्यादा लग रहे तो स्किप करो दूसरे में जाओ मैक्सिमम इट विल टेक यू दैट आप लोग को अपना रीडिंग स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स जिनका रीडिंग स्पीड स्लो है दे ऑल्सो फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज क्योंकि उसको उनको आधा टाइम रीड करने में निकल जाते हैं बिकॉज सी बी टू इज अदी पेपर इन टर्म्स ऑफ रीडिंग आप समझ रहे हैं क्वेश्चन रीड द एमसीक्यूज

उसी समय अच्छे से समझ के करो ताकि आपको अवे पता चल जाए कौन सा ऑप्शन है डू नॉट गेट इंटू दिस हैबिट ऑफ रीडिंग द एम सी क्यू वंस एसी नॉर्मली एंड देन रीडिंग इट अगेन अच्छे से डू नॉट गेट into दिस हैबिट यू आर वेस्टिंग योर टाइम आई नो मेनी स्टूडेंट्स डू दिस मेनी don't, but मेनी स्टूडेंट्स एक्चुअली डू दिस तो ये चीज आपको नहीं करना है जब आप लोग एक बार फर्स्ट टाइम के लिए ही MCQ रीड करो तो धीरे धीरे आराम से ही रीड करो पढ़ के

ये नहीं देखना कि कौन सा आंसर करेक्ट है बहुत बार आप लोगों को अगर वो चीज यही स्ट्रेक करे एलिमिनेशन मेथड डी तो नहीं होगा ऐसे एक वर्ड आ गया डी तो नहीं होगा ए तो नहीं होगा अब हम बी और सी में कंफ्यूज हैं एक बार के लिए वहां पे बी लिख के छोड़ दो मार्क द एमसीक्यू एंड लेटर ऑन कम बैक पेपर पेन रख के रखना अपने बगल में इफ यर नॉट प्रिंटिंग आउट द एग्जाम पेपर उसमें लिखते रहो कि कौन से एमसीक्यू उसको वापस आके देखना है अब आप लोग टाइम कैसे डिवाइड करोगे लेटर्स कंसिडर की आपका थ्री आवर्स का पेपर है मैं एक बार थ्री आवर्स ही मानती हूँ ठीक है सब कुछ डाउनलोड कर लिया आपने आप टाइपिंग स्टार्ट कर दिए तो थ्री आवर्स में हाउ विल यू डिवाइड योर एंटायर टाइम टेन मार्क्स के जो क्वेश्चन है दोनों टेन मार्क के क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स उसमें अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं लगेगा बहुत लोग फिफ्टीन मिनट्स में भी खत्म कर लेते हैं बट लेटर्स टेक ट्वेंटी ट्वेंटी मिनट्स कितना हुआ फोर्टी मिनट्स हो गया टू टेन मार्कर क्वेश्चन में फोर्टी मिनट्स हो गया यू ऑल कैन राइट इट डॉन इफ यू टू फोर्टी मिनट्स हो गया बचा कितना हमारे, कितना हमारे 2 hours, 20 जिसमें से ये जो ट्वेंटी इसमें आप लिख के रखो हाफ एन आवर एक बार खाली आप हाफ एन आवर लिख के रखो ठीक है कि मुझे इसमें लगाना है अब ये हाफ एन आवर थर्टी मिनट्स जो है इससे मे बी आपका फोर्टी चला गया फोर्टी फाइव नहीं जाना चाहिए फोर्टी मिनट्स जा सकता है मिनट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए दैट शुड बी रेड लाइन उस समय आप आ जाओ अब अपने शॉर्ट आंसर्स में थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स अगर आप देते हो टू एमसीक्यू इट्स मोर देन एनफ बहुत मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रही हूं इतना टाइम लगेगा क्योंकि ट्रस्ट में जब आप लोग बाकी आंसर्स लिखते हो उसमें आप लोग को बहुत टाइम लगेगा बिकॉज यू एक्चुअली हैव टू फ्रेम योर आंसर्स इवन इफ यू नो द आंसर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन राइट तो जब भी वो थर्टी थर्टी फाइव वाला लाइन क्रॉस हो मेक श्योर sure आप uh, दो तीन ट्रिक्स में बता देती हूँ विच आई ऑल्सो डू पर्सनली आपके पेपर में आप लोग एक जगह पे लिख लो सपोज इफ योर एग्जाम इज स्टार्टिंग एट टू ओ क्लॉक ठीक है सो टू 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 थर्टी एमसी क्यू टू थर्टी टू थ्री थर्टी या थ्री फोर्टी फाइव शॉर्ट आंसर थ्री फोर्टी फाइव टू मे बी फाइव आई हैव टू डू द ऐसे करके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ये आप लोग एक बना के रखो अपने पास एंड सामने में आपके पास टाइम रहेगा ही लैपटॉप में मेक श्योर यू फॉलो दैट जैसे ही वो थर्टी थर्टी फाइव वाला लाइन क्रॉस हुआ ना जस्ट मूव टू शॉर्ट आंसर्स एक एमसीक्यू एक बार रीड करके अगर नहीं हो पा रहे सेकेंड टाइम में भी नहीं हो पा रहे यू हैव टू स्किप दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दैट एमसीक्यू बिकॉज दैट इज ओनली ऑफ वन पॉइंट फाइव मार्क्स एंड उसकी वजह से यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट सो एमसीक्यू अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट का जो ट्वेंटी मिनट्स बचता है ना फॉर रिविजन उसमें सबसे पहले आप क्या रिवाइज करोगे एमसीक्यू रिवाइज करोगे क्यों क्योंकि अगर मिस्टेक्स होंगे तो एमसीक्यू में ज्यादा होने के चांसेस है देन योर शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में क्या मिस्टेक होगा मालूम है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो सारा मिस्टेक्स हमें नहीं देखना है हमें जो ऑप्शन में भी बहुत बार होता है जल्दी जल्दी में ऑप्शन गलत लिख दिया सी था पर लिख दिया बी ये सारा मिस्टेक्स आप लोग को उस समय देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं एक पेपर में इफ यू कैन राइट डाउन एमसीक्यूज उसी समय जस्ट वन से लेके पहले से लिख के रखो एक रफ पेपर में वन से ट्वेंटी जब आप लोग क्वेश्चन रीड करो एक बार पेन से यहाँ लिखा एंड देन वर्ड में लिख दिया उससे क्या होगा ना आप लोग मैच कर सकते हो एंड ऑल्सो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उसको सर्कल करके रख सकते हो एंड बाद में उसको आके देख सकते हो क्लियर अब सब लोग पूछते हैं कि मैम कैसे फॉलो करना चाहिए शुड वी डू एम सी क्यूज फर्स्ट सी इट्स इंटायरली अप टू यू आप लोग बहुत सारा पेपर सॉल्व करोगे आप लोग को उसे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को क्या आप लोग के लिए क्या अप्रोच बेटर है आई माई सेल्फ विल सजेस्ट कि आप लोग एमसीक्यू एमसीक्यू से स्टार्ट करो क्यू एमसीक्यू इज रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट थिंकिंग थोड़ा एनालिटिकल माइंड सेट तो अगर आप लोग एमसीक्यू स्टार्टिंग में करो स्टार्टिंग में क्या है ना एकदम क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग विद एन एग्जाम तो आप लोग हंड्रेड परसेंट में हो यू आर गंग यू हंड्रेड परसेंट एट द बिगनिंग तो वो हंड्रेड परसेंट एक्चुअली पूरा रिक्वायर्ड है वाई सोल्विंग द एमसीक्यू सो इट्स इंपॉर्टेंट की आप लोग स्टार्टिंग का हाफ एनआर में एमसीक्यू करके खत्म करो बिकॉज अगर आप लोग सोचोगे ना एंड में आने

दूसरा ऑपोजिट करके अच्छा लग रहा है तो आप लोग कर सकते हो बट जनरली आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आल्सो डू इट दिस वे पहले एमसीक्यू ही करते हैं शॉर्ट आंसर करते हैं एंड फिर लॉन्ग आंसर करते हैं इवन आई विल आई विल आल्सो सजेस्ट द सेम एमसीक्यू शुड ऑलवेज बी डन एट द बिगनिंग ओके मेक श्योर एमसीक्यू में ज्यादा टाइम नहीं लगा दिस इज ऑल दिस इज ऑल द अप्रोचेज विच आई विल सजेस्ट एंड अगर आप लोग सिर्फ सी दे रहे हो एज अ पेपर वेल एंड गुड फोर टू फाइव आर्स दो आराम से कोई दिक्कत नहीं है ऑल्सो एवरी डे प्रैक्टिस वन एंड वन आवर्स ऑफ टाइपिंग अगर आप लोग दो पेपर दे रहे हो तो आप लोग कंबाइन करके वन आवर टाइपिंग को दो बिकॉज ट्रस्ट मी टाइपिंग जितना फास्ट होगा उतना आप बेटर प्लेस में हो टाइपिंग एंड रीडिंग रीडिंग शुड ऑल्सो बी वेरी फास्ट इन केस ऑफ सी बी टू एंड दिस इज एन एडवांटेज विच आई बिलीव की मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जिनका रीडिंग स्पीड फास्ट है दे हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स इट्स नॉट इॉट अ बैड थिंग ऑल्सो उनका अगर टाइपिंग रीडिंग फास्ट है तो वो रहेंगे एडवांटेज में बिकॉज दे कैन रीड द क्वेश्चन फास्ट क्योंकि आप लोग को ट्वेंटी सिक्स एमसीक्यूज एक्चुअली रीड करने विच इज अलॉट एंड देन यू हैव टू रीड शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन सो गेट इन टू दिस हैबिट ऑन इम्प्रूविंग नॉट ओनली और आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं ये भी ध्यान दो कि कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हो अब आप ए, एक एमसीक्यू में 15 मिनट्स लगा के सॉल्व करो दैट्स नॉट वर्थ इट नॉट वर्थ इट एट ऑल तो आप लोग जब घर पे भी प्रैक्टिस करो टाइम योर सेल्स के आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है जस्ट कीप द टाइमर ऑन कीप इट असाइड ऑन योर फोन टाइमर ऑन करके साइड में रख दो एंड टेन एम सी क्यूज ट्वेंटी एम सी करो फिर देखो कि आप लोग कितना टाइम लगा दिस टाइम शुड इम्प्रूव ईच डे फर्स्ट डे अगर मुझे मान लेते हैं 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने में मे बी थर्टी फाइव मिनट फोर्टी मिनट लगा सेकेंड डे आपको दो तीन मिनट कम लगेंगे दिस शुड हैपन एवरी डे सो टाइम डूइंग द एमसीक्यू और ये आप लोग को फुल 100% परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड करके ही करना है क्लियर सो एमसीक्यूज अगेन एंड अगेन आई एम फोकसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट अगेन अगर ग्राफ आ गया कुछ एक्सप्लेन करने को जस्ट में वो डिफिकल्ट ही आएगा इजी तो नहीं आने वाला ठीक है एंड लास्टली हाउ टू फ्रेम द शॉर्ट एंड द लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस इन द क्लासेस बट आप लोग को भी पास पेपर से ही वो चीज और ज्यादा समझ में आएगा ऑल्सो एक जगह पे टाइम बना के अपना रख लेना ड्यूरिंग द एग्जाम फॉलो दोज टाइम्स ओनली जैसे टू ओ क्लॉक से थ्री थ्री टू तो थर्टी टू फोर्टी तक एमसीक्यू टू फोर्टी से थ्री फोर्टी फाइव फोर ओ क्लॉक तक शॉर्ट आंसर्स फोर टू फाइव वैसे करके पूरा एंड देन दिस टाइम फॉर रिविजन जैसे ही आपने देखा कि वो डेडलाइन क्रॉस हो रहा है यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑल्सो अपने वर्ड फाइल को प्रॉपरली लेबल करना ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू ऑल नो आई विल ऑल्सो डिस्कस एंड डो नॉट फॉरगेट टू डू रेफरेंसिंग आप लोग मॉक पेपर जो दोगे प्लीज ट्राई टू डू इट विथ रेफरेंसिंग बहुत अच्छा से आप लोग भी एक्चुअली यू विल गेट इन टू हैबिट ऑफ रेफरेंसिंग राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट

मेरे अकॉर्डिंग एक बार सिलेबस खत्म कर लो पूरा अच्छे से एंड देन मूव टू क्वेश्चन सो एवरी डे फोर आवर्स दो दैट फोर आवर्स शुड ओनली बी वॉचिंग वीडियोस एंड रीडिंग द कंपाइलो दैट्स इट एंड देन यू कैन मूव टू विदिन टेन डेज ट्राई टू फिनिश इट एंड मूव टू द क्वेश्चन ओके सो सी इज सिंपल येट इट बिकम्स डिफिकल्ट जो टाइम का कभी-कभी कंस्ट्रेंट आ जाते हैं एमसीक्यू डिफिकल्ट आ जाते हैं कुछ-कुछ एंड लॉन्ग क्वेश्चंस दीस आर द थ्री प्लेसेस व्हिच आई फील जहां पे डिफिकल्टी लेवल रहता है लाइक द थ्री कंस्ट्रेंट्स बोल सकते हैं ऑफ cb2 पेपर टाइम कभी-कभी टाइम मैनेजमेंट हम सही से नहीं कर पाते एमसीक्यू कुछ-कुछ डिफिकल्ट आ जाते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस डिफिकल्ट टू आंसर बट ट्रस्ट मी all in all, cb2 will be very easy if you have done my classes and you know the concept, you have read the compiler and done the past papers. okay, so this was brief discussion. from tomorrow, we'll have a lot of doubt solving classes and everything. Um, you all can ask or whatever you all want to me personally, bhat today, i just wanted to be a very malab uh, general discussion class. personally, problem, we can discuss it from tomorrow or you all can message me.

देखो ये इसका आंसर मैं और बेटर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगी इन जनरल बट वॉट इज देयर सी पांच तुम जो टॉपिक्स लिखोगे सब हेडिंग्स लिखोगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको करेक्ट बट उसके अंदर जो लिखोगे दैट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स डू नॉट ट्राई टू कॉपी दैट ठीक है दैट शुड बी कम्प्लीटली इन योर वर्ड्स अब मैं आपने अगर कंपाइलर पांच बार भी रीड करा है तो भी आप इतना अच्छे से उसको नहीं रट सकते कि ऑल योर कॉमास फुल स्टॉप एंड इज एंड ये सब सेम प्लेस में जा रहे हो नॉट पॉसिबल एट ऑल नॉट पॉसिबल सो येस उन लोग एग्जामिनर्स आर वेरी यू नो इन एग्जामिनर्स नो दिस की ये सारे क्वेश्चन जो है वो डिरेक्ट क्वेश्चन हैं तो इनमें जनरली ऐसा केसेस नहीं आता है इट्स ऑल्सो मैंशन इन द न्यू हैंड बुक विच हैज कम विच आई विल डिस्कस इन वन क्लास तो उन्होंने बोल दिया है क्लियरली कि वील नॉट यू नो चेक फॉर दीज क्वेश्चन जहाँ पे डिरेक्टली कुछ है डेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन है बट येस मेक श्योर यू स्टिल गिव रेफरेंसिंग इन रेफर एंड कीप इट इन योर ओन वर्ड्स पूरा ऐसा नहीं कि आपने सीधा खोला कंपाइलर एंड कॉपी पेस्ट करने लग गए वैसा चीज बिल्कुल नहीं करना नोट्स खोला एंड कॉपी पेस्ट करने लग गए डू नॉट डू दिस या फिर इंटरनेट पे लिखा फोर फंक्शन एंड कॉपी पेस्ट मार दिया डू नॉट डू दिस पूरा प्लेजरिज्म पूरा हंड्रेड परसेंट आप लोगों को क्या करना है पॉइंट्स ऑलमोस्ट ऑन सेम टर्म्स रहेंगे आप लोग को मालूम है उसके अंदर राइटेड एन योर ओन वर्ड्स एंड जस्ट मैंशन द रेफरेंसिंग कुछ भी नहीं होगा ऐसा ठीक है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंटली दो तीन टर्म्स में आ चुके हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा ठीक है डू नॉट इट्स एन इंडिपेंडेंट पेपर आप लोग को अकेले देना है यू ऑल एट अर एट अ वेरी बिग एडवांटेज कि आप लोग का 39 नाइन मार्क्स एम सी क्यू है विच इज क्लियर कट विन विन सिचुएशन फॉर यू ट्राई टू स्कोर अबव थर्टी फाइव एवरी डे डू ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यूज एंड ट्राई टू गेट मतलब ट्वेंटी सिक्स ऑन ट्वेंटी सिक्स जिस दिन आपका राइट हो गया एम सी क्यू तो उस दिन समझ जाओ कि आप लोग का बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरी डे खाली ट्वेंटी सिक्स एम सी क्यूज थर्टी एमसीक्यूज करो ना ओनली थर्टी एमसीक्यूज एवरी डे करो एवरी डे उसमें से जिस दिन आप लोग का थर्टी ऑन थर्टी चलो एक या दो मान लेते हैं ट्वेंटी एट एमसीक्यूज जिस दिन आप लोग का सही हो गया उस दिन आप लोग समझ जाओ कि आप लोग पास हो आप लोग फॉर श्योर sure पास हो अगर जिसका एमसीक्यू थर्टी में से ट्वेंटी एट आ रहा है वो इंसान पक्का पास है सीबी टू में ठीक है दिस शुड बी और मोटो एंड ये सब क्वेश्चन में डू नॉट वरी ऐसा कुछ नहीं है मैंने पूरा समझाया है आप लोग जैसे मैंने समझाया उसको वैसा रेफरेंसिंग वाला चीज फॉलो करना मैंने जो अपने प्रीवियस क्लास में समझाया था बट एक चीज का ध्यान रखो ऑल ऑफ इट शुड बी इन योर ओन वर्ड्स करेक्ट है कोई चीज नहीं आता उसको छोड़ दो कॉपी पेस्ट नहीं करो छोड़ दो उसको ठीक है so uh, anything else any general question related to exam personally aap लोगों ko jo problem problems hai doubts hai wo main lungi but aise in general exam related any doubts no okay चलो great uh, nice to meet you all अभी ये वाला strategy follow करना and I am like uh, I am not bragging this but cb two का हमेशा अच्छा रहता है um, एंड सी बी टू जिन लोग आई एफ ओ से दे रहे हो फिफ्टीन सेप्टेंबर इट्स माई बर्थ डे सो आप लोग सब पास होने वाले हो जो आई एफ ओ से दे रहे हो फॉर श्योर चलो ओके सो ऑल द बेस्ट एंड फिर फिल कर से तो हमारा डाउट्स क्लासेस है मेक श्योर एवरी डे थर्टी एम सी यूज आप लोग करो पास पेपर्स करो एंड कंपाइलर रीड करो प्लीज डू दैट ओके चलो बाय